लो गाइस, मैं हूं तस्कीर। इस वीडियो के अंदर मैं रिएक्ट कर रहा हूं व्हाट इंडियन सेलिब्रिटीज थिंक अबाउट पाकिस्तान। देखते हैं इंडियन सेलिब्रिटीज, इंडियन शोबिज इंडस्ट्री के लोग। ये वीडियो इंटरेस्टिंग है, देखते हैं इस वीडियो को। करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। कभी पाकिस्तान तो नहीं जाएंगे ना? ऐसे तो कुछ नहीं है, जब जाना होगा जरूर जाएंगे, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत प्यार करते हैं। मुझे अक्सर एयरपोर्ट पर मिलते हैं, इंग्लैंड में मिले हैं, जहाँ पर भी मिलते हैं बहुत बहुत प्यार से मिलते हैं, पूरे परिवार जो होते हैं। बिकॉज परिवारों में किसी में कुछ इस तरह की गलत फहमी नहीं है, ये कुछ चंद लोग होते हैं जो गलत फहमियाँ बना लेते हैं। मुझे बड़े आराम से रखा गया, मेरी जो भी क्या कहना चाहिए मेहमान नवाजी में उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने काम भी किया पाकिस्तानी मूवीज में। फिर सेट पे भी हमारे एयर कंडीशन वैन भी होती थी एक्टर्स के लिए। क्रिकेट करियर में एक वन ऑफ द बेस्ट टूर्स था पाकिस्तान, क्योंकि वो हॉस्पिटैलिटी बहुत कम देखने को मिला है। हम 1.5 महीने थे पाकिस्तान में और हर जगह गए, 5 वनडे खेले, 3 टेस्ट मैच खेला, और हॉस्पिटैलिटी ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड ऐसा कभी मैं देखा नहीं हूँ। हर जगह होटल, लोग, खाना, फैसिलिटीज़ बहुत बहुत बढ़िया। और यहाँ पे बहुत सारे लोग को पता नहीं होगा, हम चाहते हैं कि भारत ऐसे टूर करे। तो एक दिन हम बैठे थे साथ में, बहुत ही परेशान, बोर हो रहे थे। हमने कहा क्या करें, दुश्मन देश चलते हैं। मैंने कहा हाँ अच्छा आइडिया है, दुश्मन देश चलते हैं। तो हमने कुछ जुगाड़ लगाया, मेरे फादर से नेवी में थे तो उस टाइम उनके पाकिस्तानी हाई कमीशन में अच्छे ताल्लुकात थे, तो हमने जुगाड़ लगाया और हमें वीज़ा लग गया और हम दो अकेली लड़कियां ऐसी मुंह उठा के आ गए यहाँ पे। हम बहुत एक्साइट हुए, लेकिन हमने यहाँ आके पाया कि जिसको अक्सर दुश्मन देश समझा जाता है वो कतई ऐसा नहीं है, और जितना हमें यहाँ प्यार और मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैं काफ़ी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। हम दोनों की मुल्कों की जबान एक है, पड़ोसी हैं हम लोग, और हमारे यहाँ तो और आपके यहाँ भी ऐसा माना जाता है कि जो पड़ोसी होता है वो परिवार की तरह होता है। हमें अच्छा लगता है कि जब हम पाकिस्तान से लोग आते हैं यहाँ काम करने, हम आपका काम देखते हैं, आपके टेलीविज़न के ऊपर जो सीरियल्स हैं वो बहुत ही बहुत काम किया है यहाँ। हमें तो कभी अंतर लगा नहीं। मैं पर्सनल बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी वालदा जो है वो लालपुर में पैदा हुई थी, जो कि अब इस्लामाबाद हो गया है, और उनकी शिक्षा दीक्षा और लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में भी। मेरे जो नाना थे वो वहीं रहने वाले थे, कराची में वो प्रैक्टिस करते थे, वो बार एट लॉ थे। रियली ओके। तो हमें तो कभी कोई फ़र्क मालूम नहीं पड़ा। हाँ ये सच है कि पॉलिटिकली बहुत सारे मतभेद होते रहते हैं, और इन मतभेदों को ख़त्म करना चाहिए, ऐसा मानता हूँ। सर एक लोगों के रिलेशंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है पिछले इतने सालों में, ये पॉलिटिशियंस के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। लोग वहाँ के भी और यहाँ के भी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। हाँ पाकिस्तानी सभी फैंस के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आई लव पाकिस्तान। मेरे ग्रैंडफादर पाकिस्तान लाहौर से रहे, हमेशा मैं आना चाहता हूँ और बहुत जल्द से जल्द आऊँगा। अपने सुस्वरा भास्कर पर मैंने देखा था, वो फनी फनी अंदाज में, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला एकदम मज़ाक के अंदाज में, अच्छे अंदाज में बात करती हुई नज़र आई थी पाकिस्तान के बारे में, कि यहाँ पर मतलब दुश्मन देश जाएंगे और मुंह उठाकर पहुँच गए और मौज मस्ती की वहाँ पर। तो पता चला कि जाने के बाद पता चला कि यार जिसको दुश्मन बोलते थे वो दुश्मन नहीं निकला। एंड हॉस्पिटैलिटी की बात की इन्होंने, सौरभ गांगुली ने, क्रिकेटर, बहुत सही। वो बोल रहे थे कि ऐसे मोमेंट बहुत कम आते हैं एक करियर में, पूरे एक बंदे के करियर में, जहाँ पर ऐसी मेहमान नवाजी ऑफ ग्राउंड ऑन ग्राउंड देखने को मिले। तो वो पाकिस्तान में जाकर इंडियन क्रिकेट टीम को भी मिली। सौरभ गांगुली मानते हैं इस चीज़ को, अमिताभ बच्चन मानते हैं, ओम पुरी ने पाकिस्तान में जाकर काम किया है। मैंने उनकी मूवी एक शायद देखी थी, उसमें पाकिस्तानी मूवी में काम किया है, वो रहे हैं वहाँ पर शूट के टाइम पर कई दिन तक, बहुत सारे दिन तक रहना पड़ा होगा उन्हें। उसके अलावा सोनू सूद के जो पहली पुरानी जड़ें हैं वो वहाँ से हैं, चाहे नाम चेंज हो गए हों, इस्लामाबाद हो गया हो, तो वो बताते हैं कि वहाँ से जड़े हैं। सनी देओल गदर मूवी आई थी तो उसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाला सीन था, तो उसके बाद इनसे एंकर पूछ रहे थे कि अब जाना पसंद करेंगे आप पाकिस्तान, तो वो बोल रहे थे हाँ जाएंगे, मौका मिलेगा तो जाएंगे, बहुत प्यार मिलता है वहाँ से। सो वही है,
अपने काम अपनी चीज़ें अलग हैं कुछ चीज़ें, लेकिन हाँ जो मेन असल जिंदगियां हैं, असल जिंदगियों में लोग कभी भी नफरत नहीं फैलाना चाहते हैं, कुछ चंद लोग हैं लेकिन उसके अलावा नहीं चाहते हैं, सब पीस चाहते हैं, आपस में काम करना चाहते हैं। और पाकिस्तानी जो सेलिब्रिटीज़ थे, जैसे अमिताभ बच्चन बता रहे थे कि यहाँ काम देखने का मौका मिलता है, तो वहाँ से बहुत सारे लोग आए हैं, अली ज़फ़र, आतिफ असलम, यहाँ पर बहुत सारे गाने गाए हैं उन्होंने, राहत फ़तेह अली खान, बड़े बड़े नाम, और फवाद ख़ान, माहिरा ख़ान, सब लोग यहाँ पर आकर काम कर चुके हैं, फरहान सईद, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जिनके बहुत सौ के तो मुझे नाम भी नहीं पता है, तो वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, अपना टैलेंट यहाँ पर दिखा चुके हैं, बढ़िया काम कर कर हिट मूवीज़ भी दे चुके हैं भाई, वो देखा है मैंने यहाँ पर, तो अपना टैलेंट काम यहाँ पर भी दिखा चुके हैं। वो पड़ोसी होता है, फैमिली मेंबर जैसा होता है, तो वैसा ही कुछ सीन होता है। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं, आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और लिंक भेजना चाहते हैं आप अगर तो हमारे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।